पेंशनर एसोसिएशन जबलपुर के द्वारा पीएनएस कॉलेज में प्रोग्राम रखा गया, जहां सभी पेंशनर कर्मचारी उपस्थित हुए और उन्होंने रणनीति के तहत सरकार से लड़ने का मन बनाया। वहीं पेंशनर कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के एक मत न होने से पेंशनर्स परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा। अगर हमारे सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार की मध्य प्रदेश सरकार मांगों को पूरा नहीं करती तो नगर निगम चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव के पहले कोई विशेष कदम नहीं उठाती है तो हम व हमारे परिवार अब सरकार को वोटिंग का विरोध जताएंगे। जबलपुर पे आके हम सब लोगों एक निर्णय फाइनल लेने जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जो है हमको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बंटवारे में कब तक लटका के रखें। कभी आप तैयार नहीं होते तो कभी छत्तीसगढ़ तैयार नहीं, कभी छत्तीसगढ़ तैयार होता है तो आप नहीं होते और आप होते हो तो वो तैयार। ये धारा 49 का जो झंझट है ये कब तक लागू रहेगी? 22 साल पूरे हो गए। मैं आप लोगों के से माध्यम से इस मध्य प्रदेश सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि अब आपके निकट भविष्य में आपके मध्य प्रदेश में ग्रामीण अंचल और नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे 21% डीए के आदेश से भी आपने समय रहते जारी नहीं किया, एक बहुत बड़ा आक्रोश का सामना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपको करना पड़ेगा।